जब जनता के विश्वास को खो दिया तो उन्हें लगता है कि जनता को भ्रमित करने के लिए वो कुछ भी कहें तो उन्हें लगने लग गया है कि वो बात बिक जाएगी। असलियत तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत में जो सेब उत्पादन होता है उसको समर्थन देने के लिए विदेश से जो भी सेब आता है उसके ऊपर एक बड़ी तगड़ी आयात कर इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है। इसी के साथ साथ कुछ ही महीनों पहले हमने एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस यानी 50 रुपए से सस्ता भारत में CIF प्राइस या जो भारत में सेब आता है विदेश से उसकी 50 रुपए से कम कीमत पे सेब को लाने नहीं दिया जाता है, उसको बैन कर रखे। कम से कम अगर 50 रुपए किलो दाम हो तो ही भारत में आयात किया जा सके, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। उस इंपोर्ट ड्यूटी के बाद सेब फिर पोर्ट से जाता है एक एक मार्केट में उपभोक्ताओं के पास, तो पहुंचते पहुंचते इतना महंगा हो जाता है कि जो देश की जरूरतें हैं सिर्फ उतना ही सेब आता है जिससे उपभोक्ता के जरूरत को हम पूरा कर सके और भारत के किसानों को और भारत में जो सेब बनाते हैं उत्पादन करते हैं उनको पर्याप्त सुरक्षा कवच मिल जाए। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए, कुछ एक्शन लिए जिसके कारण भारत का निर्यात USA में कम हुआ, उसके रिटेलिएशन में उसके सामने अपना जवाब देने के लिए हमने कुछ अतिरिक्त ड्यूटी जिसको रिटेलिएटरी टैरिफ बोलते हैं, रिटेलिएटरी ड्यूटी सेब पर लगाई थी। ये बड़ा एक कठोर कदम था, पहले भारत इस टाइप के कदम लेने से कतराता था पर मोदी जी की सरकार ने ऐसा एक कठोर कदम लेके भारत के निर्यात को बल दिया था, संबल दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच द्वितीय चर्चाओं से हमने दोनों तरफ ऐसे जो ड्यूटीज थे उसमें राहत दी। उन्होंने भारत के निर्यात पे जो अधिकतम ड्यूटी लगाई थी उसमें हमें राहत दी और हमने जो अधिकतम ड्यूटी लगाई थी उसमें राहत दी जिसमें सेब या अखरोट वगैरह भी है। लेकिन जो ड्यूटी पूरे विश्व में सब पे लगती है वही ड्यूटी आज भी अमेरिका के ऊपर लगती है, USA पे लगती है, उसमें कोई छूट नहीं है, कोई ड्यूटी कम नहीं की गई है। ये अतिरिक्त रिटेलिएटरी ड्यूटी और उससे कोई आयात कम नहीं हो रहा था, उससे कोई आयात में फर्क नहीं पड़ रहा था, USA को फर्क पड़ रहा था दूसरे देशों से आ रहा। अब वापस सभी देशों का एक ही ड्यूटी हो गई है जो पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी।